गोपिकाएं सर बचाती हुई नाचते गाते रहती थी। और सुदामा बैठे बैठे एक पेड़ पर बैठे रहते थे और ये सारा चीज देखते थे और कृष्ण को कहते थे कि कृष्ण तुम इन सभी को पागल बनाते हो, इन सभी को नचाते हो, ये क्या शोर तुम कभी बात नहीं करते। और सुदामा देखकर कृष्ण हंसते तुझे क्या हो रहा है, तुझे क्या हो रहा है, मैंने तुम्हारे सारे सब लोग नाचते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत फील होती है, तुम ये नाच गाना सिखाते हो, शोर बचाते हो, कभी ध्यान नहीं, कोई बात नहीं, मैं गुरु से कहता हूँ। तो कृष्ण कहते हैं गुरु से बच के यार, कोई गुरु से नहीं है तो क्या कहेंगे, हम नाचते हैं। बोले मैं तो जरूर कहूंगा ही कहूंगा, मुझे नाच गाना पसंद नहीं है। और वो अकेले बैठा देते थे तो कृष्ण सुदामा को देखकर हंसते थे। लेकिन बात ऐसी हुई कि किसी कारणवश सुदामा को अपना गुरुघर छोड़कर कृष्ण को छोड़कर जाना पड़ा। कभी भी सुदामा राधा पर या गोकुल की गोपिकाओं पर बीच करके रहा करते थे। ये लोग कभी भी कृष्ण को लेकर नाचते हैं या प्रेम करते हुए नाचते रहते हैं। ये लोगों को अध्यात्म ध्यान समाधि धारणा इसे कुछ नहीं मालूम। मैं तो कृष्ण को इतना प्यार करता हूँ कि कृष्ण का सुख दुख ही देखता हूँ, मुझे नाच गाना पसंद नहीं है। कृष्ण को सुदामा इतने पसंद थे, उन्हें गोपिकाएं भी पसंद थी, कृष्ण का स्नेह कृष्ण का प्यार सुदामा के भी कृष्ण का अपना मन ये सब कुछ एक जिम्मेदार था। लेकिन जब सुदामा गुरुकुल से बीच में अपनी विद्या छोड़ चले गए और बाद में जब सुदामा कृष्ण कृष्ण करके रहे तो एक ऐसा भी कृष्ण था जिसका नाम पौंड्र कृष्ण था। वो सुदामा के पास गया और कहा कि हे कृष्ण तू पौंड्र कृष्ण का नाम छोड़ दे, तू मेरा नाम ले, मेरा प्रचार कर, मैं इसे धनवान बनाऊंगा। कृष्ण ने कहा, सुदामा ने कहा, ये पौंड्र कृष्ण चाहे तो कुछ भी हो, भगवान विष्णु या भगवान शिव भी उतर के आए तो मैं मेरे कृष्ण सखा से प्रेम करता हूँ, किसी किसी से प्रेम नहीं करता। तो इतने भी बुद्धि ने इतनी दरिद्रता अनुभव कर रहा है, इतना सब कुछ अनुभव कर रहा है, फिर भी कृष्ण कृष्ण कहता है। तो उन्होंने कहा कि तुझे एक बार करके दे, नहीं बाद में सभी के कहने पर सुदामा की पत्नी एक बार खींच कर कहने लगी, इतना कृष्ण कहते हो, अष्ट पुत्रों के पिता हो गए हो, घर में खाने को दाना नहीं है, दरिद्रता अनुभव कर रहे हो, कभी उस कृष्ण से जाकर पूछते क्यों नहीं, वो तो महाराजा है मथुरा के और तुम्हारे मित्र है, कुछ ना कुछ दान में देने के तो लेके आना। तो सुदामा कहते हैं वो मेरे मित्र है, मैं उनसे दान नहीं मांगूंगा, मैं उनके पास जाऊंगा भी नहीं। लेकिन दरिद्रता और पुत्र वात्सल्य कितना मनुष्य को बेकार कर देता है कि पुत्र जब रोते हुए अगर पिता के पास खड़े रहकर कहने लगे कि हे पिताजी भूख लगी है, आपके कृष्ण के घर में रोज माखन खाया जाता है, चांदी की थाली में खाना खाते हैं, आप कहते हैं कि ये जो आपके मित्र हैं और हम आज भूखे हैं, हमारे लिए कुछ करो। और सुदामा पिघल गए, कहने लगे कि मैं पुत्रों को खिला नहीं सकता, जिस कृष्ण का नाम लेकर जी रहा हूं, कुछ कर्म नहीं कर रहा हूं, केवल कृष्ण कृष्ण कहता हूं, मैंने जीवन कैसे जीते, राधा का नाम या राधा के नाम से खींच थी, कृष्ण के साथ गोपिकाओं के नाम से वो नहीं चाहते थे कि उन गोपिकाओं के साथ उनका नाम ले, और वो केवल कृष्ण कहते। जब पत्नी और बच्चों की इस स्थिति को देखे तो सुदामा कृष्ण के पास गए, ये सभी लोगों को बताया, कृष्ण के पास गए और कृष्ण को प्रार्थना की कि कृष्ण मैं तुम्हें मिलने आया हूं। और जब ये बात कृष्ण ने देखी, भागते हुए अपने पांव में कुछ भी ना पहने हुए अपने राशि के सुदामा आए हैं, तो सभी को छोड़ते हुए कृष्ण भागते हुए आए और अपने सुदामा को गले लगाए। सुदामा को गले लगाया इतने जोर से कि सुदामा नहीं ले सके कि एक बाल्य मित्र इतनी मित्रता के साथ आगे गले लगेगा, और उसके पूर्ण सम्मान के साथ अपने पास गए और हम जिस समाज को जिस सम्मान पर बैठते थे वहां सम्मान पर सुदामा को बिठाया। सुदामा को बिठाने के बाद सुदामा को पास किया गया, आश्रय दिया ब्राह्मण रहने के घर और खाने के लिए कहने लगे, तो सुदामा को अपने पितरों की याद आई। कृष्ण जैसा ही खाने के एक फल रखा हुआ था तो सुदामा की आंखों से आंसू आए, कहने लगे कृष्ण एक बात कहता हूं तो बुरा न मानना। बोले क्या? मेरे बेटे नहीं खाने खाते, मेरे पुत्र न खाने खाते थे, महीनों से गुजर गए, मैं ये फलों को नहीं लाते, मैं ले नहीं सकता, क्या मैं ये फल मेरे पुत्रों को ले जा सकता हूँ? कृष्ण की आंखों से आंसू आए कि तू ऐसी जिंदगी ले रहा है जो कि मेरे से प्यार करता है। कृष्ण ने कहा तू मेरे से प्यार करता है और तू ऐसी जिंदगी ले रहा है, तो यही सुदामा तो नहीं जानता
तो अगर मेरे साथ साथ उन गोपियों का और उन राधा का नाम लेता तो आज तो जन्म नहीं लेता था। और मैंने जो काम किया राधा का गोपियों का नाम लिया, आज मैं धनवान हूँ। क्योंकि नारी जहाँ पूजी जाती है वहाँ देवता वास करते हैं। तो नारियों की पूजा नहीं की, राधा की जहाँ पूजा होती है, राधा का जहाँ सम्मान होता है, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ धन ऐश्वर्य सब कुछ होता है। एक बार तो अष्ट महारानियों के साथ राधा का नाम ले ले, ये बात कृष्ण ने कही। और तब सुदामा को अपनी गलती का एहसास हुआ और कहा हे राधे कृष्ण। जैसा ही राधे कृष्ण कहा, कृष्ण ने उस निवारा जो सुदामा को देने वाले थे अपने मुंह में डाला और देखते क्या है कि घर में ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य आया। तो नारी जहाँ पूजी जाती है वहां देवता सर्वत्र रहते हैं, इस बात को सुदामा को कृष्ण भैया बता रहे थे। जब सुदामा को सब कुछ ऐश्वर्य लेकर सुदामा अपने ऐश्वर्य को लेकर कृष्ण के साथ चले तो अष्टभाग्याएं कृष्ण के साथ बैठकर ये पूछने लगी कि हे कृष्ण, मुझे आज तक ये मालूम हुआ कि एक ही गुरु के पास तुम दोनों ने भी अभ्यास किया है, एक ही गुरु के पास एक ही गुरु के दोनों शिष्य है, वो इतना दरिद्र गुरु और तुम इतना ऐश्वर्यवान हो। तो कृष्ण ने कहा कि मैं मेरी बहन विंध्यावासी के साथ अखोट लक्ष्मी की साधना करते हुए मैं आज भी नारी की पूजा करता हूँ, नारी का सम्मान भी उसी से देखता हूँ और सुदामा को नारियों के प्रति गुणान है और इसलिए वो दरिद्र है। और इस नारियों की पूजा करने का तरीका जो बहुत है, नारी अगर नाराज हो जाए तो भी लक्ष्मी नाराज रुक जाती है। नारी को जहाँ गाली दी जाती है, नारी को जहाँ मारा जाता है, नारी को जहाँ अपमान किया जाता है, वहाँ लक्ष्मी ने घर बेच के ही पड़ता है, घर बांधने भी तो बेच देना पड़ता है। क्योंकि नारी को सर्वत्र पूजा जाता है, नारी को सम्मान के साथ जहाँ देखा जाए, नारी को सब कुछ दिया जाए, वहाँ सब कुछ इस संसार में देवता वहाँ रुकते रहते हैं। यहाँ नारी पूजन से वहाँ सर्वत्र देवता रमनते हैं, देवता वहाँ रमन करते हैं, ऐसा वास कहा गया है। जब कृष्ण ने ये बात उन आठों भरियाओं को समझाई तो आठों भरियाएं अपने सीने से खुल गई। कृष्ण, तुम इसलिए नारियों की पूजा करते हो, इसलिए स्त्रियों की पूजा करते हो? तो कृष्ण ने कहा इसके पीछे मेरी विंध्यावासिनी काली का कथन है। क्योंकि राम की पत्नी सीता माता ने किस उनकी माता ने जो पृथ्वी है सीता की माँ, उसने किस पृथ्वी पर रहने वाले को श्राप दे दिया है उस त्रेता युग के बाद। क्योंकि राम ने न्याय जानकर भी अन्याय के साथ सीता को इस संसार में पृथ्वी में डाले दिया था, सीता धरा ने श्राप दे दिया था कि यहाँ सब लोग ऋणग्रस्त रोगग्रस्त और इस संसार में दरिद्र होकर जिएंगे, जो नारी की पूजा नहीं करेंगे। किस तरह राम ने सीता माता को कहा, राम अपने ये बात कहते हुए कि लव कुश अर्पण करने के बाद सीता माता ने कहा, मैं अगर मनोवांछाएं कर्मों से राम की पूजा मैंने की है, राम को ही पति माना है और मैंने राम की राम का मान सम्मान रखा है, राम के वचनों का मैं पालन किया है, तो हे माँ धरा तू मुझे स्वीकार कर। और वो सीता धरा में जब चली गई तो उस धरा ने कहा, इस पृथ्वी पर रहने वाली मेरी सीता न्यायवान प्रेमवान रहने के बाद भी हे राम तुझे सीता को स्वीकारा है तो यहाँ दुख दरिद्र दैन्य रहेगा, जब तक मेरी सीता की पूजा नहीं होगी निश्चित मेरी धरा की पूजा नहीं होगी। और आप कब से देखते हैं उस श्राप का विमोचन करने के लिए कृष्ण ने जन्म लिया और सारी स्त्रियों को वो पूजा करते रहे ताकि लक्ष्मी की स्थापना हो। यही बात फिर बालाजी की स्थापना के बाद ही, लेकिन फिर भी जब गांधारी का श्राप हुआ, यदुवंश का नाश हुआ तो फिर बालाजी ने जन्म लिया तो वहां फिर श्री भूदेवी का झगड़ा फिर आया और लक्ष्मी उठकर आज भी बैठी हुई है। आज भारत का हो या संसार का पृथ्वी पर रहने वाला कोई आदमी है ना हो, उसके जीवन में अगर वो जी रहा है तो बिना रोग लिए दिया है ऐसा कोई नहीं बता सकते, बिना रोग के किया हो ऐसा नहीं बता सकते, बिना सुख दुख के किया है ऐसा किसी को बता नहीं सकते। जब भी यह राम जब थे या कृष्ण जब थे उनके रहते थे ये सारी चीजें थी, क्योंकि उन्होंने कुछ अघोर साधना को कुछ अग्नि साधना को संपन्न किया था, कुछ स्त्रियों की पूजा सम्मान उनको किया था और वह एक अघोर साधना है। स्त्रियों को खुश करना मामूली बात नहीं है, वो किसी ऐसे ऐसे अरे गरे पुरुषों की बात नहीं है, स्त्रियां खुश हो रही नहीं है। इस संसार में तीन हट बहुत प्रबल है, एक बाल हट, दूसरा राजा हट और स्त्री तीसरा स्त्री का हट, जिसको कोई पूरा नहीं कर सकता और जो पूरा किया वो सच्चा पुरुष है, वो देवता है। हम इन तीनों हटों को पूरा करना या इस प्रकार से सुखी रखना, इस सुख को प्राप्त करना, ऐश्वर्यवान होना चाहते हैं तो कृष्ण कहते हैं कि उस साधना को जिसको मैंने किया है वो किया। तो जब अष्टभाग्यों ने कृष्ण पूछा कि हे कृष्ण, तुमको ये जो साधना संपन्न करवाई है हमारे भाई भी तो है, उन्होंने कहा रुक्मी है वो तुम्हारे से खड़ा लगाएगा, दरिद्र हो गया मेरी बहन का अपमान करके दरिद्र हो गया है, मैं उसको ये साधना बोलूंगी, कृष्ण मुझे बताओ। तो दूसरी सत्यभामा ने सभी ने कहा कि हमें भी ये साधना बताओ और ये बताओ कि ये साधना पहले किसने की थी, किसने ये साधना बताई थी।
तब कृष्ण कहते हैं कि वशिष्ठ महर्षि के प्रिय शिष्य हरिश्चंद्र के नाम, हरिश्चंद्र का नाम आप जानती हूँ। वशिष्ठ तंत्र बाधा में अवध साधनाओं के बारे में सीख रहे थे। अवध साधनाओं का इस संसार में टिके हुए चीजों को प्राप्त करना है और अवध साधना हरिश्चंद्र और वशिष्ठ जी ने अगर क्योंकि वो वेद के ब्राह्मण थे, वेदों को ही श्रेष्ठ मानकर वशिष्ठ जी ने थे और वशिष्ठ के प्रिय शिष्य थे हरिश्चंद्र। लेकिन निशान को जब पता चला कि हरिश्चंद्र नाम का वशिष्ठ का शिष्य सत्य धर्म का पालन करता है तो उन्होंने कहा कि मैं उसके सत्य धर्म को पालन नहीं करते हुए हरिश्चंद्र का नाम आगे बढ़े नहीं दूंगा, मैं उसकी परीक्षा लूंगा। और ये सभी लोग जानते हैं कि आपने विश्वास ने हरिश्चंद्र की परीक्षा किस तरह की। हरिश्चंद्र की परीक्षा उस दम तक की कि जिस दिन एक बार अपने पत्नी बच्चे को बेचने के बाद अपने स्वयं को चांडाल को स्मशान में रहने वाले चांडाल को बेचने के बाद जब स्मशान में हरिश्चंद्र रहने गए और रोहिताश्व यानी हरिश्चंद्र का बेटा और उनके साथ हरिश्चंद्र की पत्नी ये दोनों लेकर जो रोहिताश को सांप ने काटा और उसके शव को लेकर स्मशान में आई तो चांडाल के रूप में हरिश्चंद्र वहां बैठे हुए थे और उनकी पत्नी ने कहा कि बेटे का शव जलाना है, उसका संस्कार करना है। तो चांडाल ने कहा मेरे मालिक का हुक्म है कि यहाँ इस स्मशान में जलाने के लिए इसका शुल्क देना होगा, उसका टैक्स देना होगा। तो उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं राजा हरिश्चंद्र की पत्नी हूँ और ये राजा हरिश्चंद्र का पुत्र है, फिर भी हम वशिष्ठ जैसे महर्षि के शिष्य होने पर भी आज ये दरिद्रता का दिन देख रहे हैं जहाँ हमें देखना नहीं चाहिए। हे चांडाल जो भी तुम हो मेरे साथ मेरे पास केवल इस साड़ी के सिवा और कुछ नहीं है। तो उसने कहा कि तुम चाहे हरिश्चंद्र की पत्नी भी हो और ये हरिश्चंद्र का बेटा भी हो लेकिन आज वो हरिश्चंद्र एक मालिक का दास है, उसको बेचा गया है और वो अपने मालिक की बात सुनता है, अपनी पत्नी और पुत्र का प्रेम नहीं कर सकता, तुम्हें टैक्स देना है तभी ये काम होगा। सब वो पहचान नहीं कि चंडाल और कोई नहीं साक्षात हरिश्चंद्र है। तो उसने कहा तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे गले में जो मंगल सूत्र है वो दे दो। तो उसने रोकर उसकी चरण में गिर रो पड़ी और कहा कि पतिदेव क्या तुम्हारा पुत्र मरता हुआ दिखाई दे रहा है, तुम ये बात कहते हो। तो हरिश्चंद्र ने कहा मैं तुम्हारा पति नहीं हूं, मैं एक मालिक का दास हूं और मेरे मालिक इस मकान के मालिक जो है चंडाल है उनका मैं दास हूं और वो जो कहते हैं वही करता हूं, तुम शुल्क पहले दो और उसको जला दो। कृष्ण ये बात अपने अष्ट महाराजों को समझा रहे थे। तब अष्ट महाराज ने देखी इतनी दरिद्रता इतनी सेठता एक महाराजा की दृष्टा, तो तब उसने कहा कि ये वशिष्ठ अघोर पद्धति को अघोर मार्ग से लक्ष्मी की साधना को नहीं जानते थे और स्त्रियों के बारे में जिस प्रकार समर्पण चाहिए अघोर पद्धति का उन्होंने निराकरण किया और वे धनवान नहीं हो सके। विश्वामित्र अघोर पद्धति के एक श्रेष्ठ तत्व ज्ञानी थे और ऋषि थे और उन्होंने तंत्र मार्ग पर अपना अधिकार जमाया था और तंत्र मार्ग से सत्य से धर्मपरायण व्यक्ति को भी परेशान कर सके। तो हे अष्टभागियां हो मैं कहता हूं कि जो इस अघोर पद्धति को अपनाता नहीं वो इस संसार में इस युग में सुखी होता नहीं। अघोर पंथ कोई ऐसा पंथ नहीं है जिसके बारे में गलत धारणा है। भगवान शिव ने उन सभी को जो इस संसार में तुच्छ समझा जाता है अपने आप को स्वीकार करते हुए आपको धन प्रदान करने की प्रक्रिया के लिए उसे अघोर धर्म कहा गया है। इस संसार के लिए छोड़ा गया जो बेकार समझा गया उसको स्वीकार कर जो आपका शव जलने के बाद उस फसल को धारण करने वाले शिव उससे आनंदित होने वाले शिव जिसे आप स्मशान को छोड़े हुए उस स्मशान पे रहने वाले शिव आपको छोड़ा हुआ आपका ये आपका सब निकाल दिया गया हुआ उन चीजों को लेकर जीने वाले शिव ने कहा है जो इसे अघोर पद से मुझे अपनाएंगे मैं उसको कुबेर बनाऊंगा और कुबेर आज बने या भगवान विष्णु जिसके गुरु शिव है उनको विष्णु तत्व भी प्राप्त हुआ, सुदृढ़ भी प्राप्त हुआ, माता लक्ष्मी भी प्राप्त करी ना माता लक्ष्मी को विष्णु भी प्राप्त करे तो केवल अघोर पद्धति के कारण। और यह पद्धति नहीं रहने पर जिस दिन जिस समय रोहिताश्व को जलाने के लिए हरिचंद ने तब प्रार्थना की कि हे गुरु आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, विश्वामित्र की कक्षा इतनी आएंगे पुत्र यहाँ पड़ा हुआ है और उसको जलाने का संस्कार करने के लिए पिता को के लिए नहीं है और पत्नी को रोते हुए देख रहा हूँ जिस स्थिति को देखो वो उसको पुकार रहे थे। और विश्वामित्र वहां थे जब वशिष्ठ तपस्या रखे और उनको जब हरिचंद्र की पुकार सुनाई गई तो वे भागते हुए खड़े होकर आए और देखा कि क्या हो रहा है, उनको बहुत क्रोध हुआ लेकिन वेद मार्ग की सामूहिक मार्ग के सामने कोई काम कर रहा था क्योंकि वे स्मशान में चले गए। स्मशान में कोई वैदिक पद्धति नहीं चल रही थी, उसका वैदिक मार्ग का कोई मार्ग नहीं चल रहा था और शिव के प्रार्थना के सिवा दूसरा मार्ग नहीं था। तब अघोर पद्धति से प्रार्थना करने के जब वो विद्युत बुद्ध हुए तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु ऐसा कोई मार्ग बताओ कि मैं यहाँ आज मेरे पुत्र के संस्कार के लिए कम से कम पैसा प्राप्त कर सकूं, मेरे पत्नी को ये बता सकूं कि मैं तेरा पति हूँ और इस संस्कार के लिए मैं पैसा दे सकूं। एक पति जो अपने पति के लिए अपने पुत्र के लिए संस्कार
ना कर सके, उसको रहने का भी अधिकार नहीं है। मैं अपने आप को पहले जला लेता हूँ, बाद में इनको जलाता हूँ, मैं पति कहने के लायक नहीं हूँ, ऐसी दरिद्रता ऐसी कठिनता मैं नहीं चाहता। जब ऐश्वर्य ने ये निर्णय लिया तो ऊपर से पुष्प की वर्षा हुई और वशिष्ठ महर्षि ने कहा कि है और आप कहां भी हो, ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपका मार्ग मैं स्वीकारता हूँ और मेरे शिष्य को उसका फल देना चाहता हूँ। जैसा ये मार्ग हुआ जो चांडाल थे उस संसार के मालिक को यमधर्मा सेव थे और उन्हें अघोर पद्धति की साधना उनको बताई और उसी क्षण उनको पुनः राज्य की प्राप्ति हुई। विश्वामित्र शांत हुए और उन्हें कहा कि राजा हरिश्चंद्र आज से तुम्हें मान सम्मान और सभी तरह से सभी तरीके से तुम्हें ऐश्वर्य प्राप्ति होगी और तुम्हारे जन में सातों जन्मों गति की कमी नहीं होगी। यह विश्वामित्र का आशीर्वाद उन्होंने सुनाई दिया जब अघोर पद्धति को उन्होंने स्वीकार किया। मैं इस अघोर पद्धति की बात इसलिए बार बार बताता हूँ कि जो इस पद्धति का आचरण करता है वो कभी खुशी नहीं होता और इस साधना को कोई केवल उन्होंने नहीं उस दिन से सभी लोगों ने इस साधना को किया है और यह शिव शक्ति युक्त शिव विष्णु युक्त रुद्राक्ष जो आपके सामने रखा हुआ है उस रुद्राक्ष के सामने जो मंत्र माता शिवजी ने माता को दिया था गौरी माता को दिया था और गौरी को आराधना करते हुए कहा था कि चाहे मेरा मनुष्य कहीं भी हो वो अगर इस गायत्री को करते हुए तुम्हारी आराधना करते हुए उस विष्णु शिव युक्त रुद्राक्ष के सामने जो गुरु युक्त है अघोर युक्त है जिस रुद्राक्ष पर एक नाम और शिवलिंग हो ऐसे रुद्राक्ष को सामने रखकर बिनु फल का नैवेद्य बताकर इस गौरी की आराधना करता है गौरी मंत्र का जप करता है और कमल पुष्पों से मेरा हवन एक भी पुष्प का हवन करता है उसके जीवन में 24 घंटों के अंदर अंदर वो धनवान और ऐश्वर्यवान करता है उसको किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। ये अघोर पद्धति है और आशा किसी ने रहेगी। मैंने आपका अघोर दीक्षा दी थी और वही साधना आज आपको संपन्न करवाने जा रहा हूँ। मैं यहाँ कमल के पुष्प आपके लिए मैंने जैसा कल कहा था ला के रखता हूँ। आज तो अघोर मंत्र देता हूँ, जो भी अपने जीवन में इस अघोर मंत्र को करता है और इस कमल पुष्प का हवन करता है जिस यंत्र के सामने आपके सामने रुद्राक्ष है उस रुद्राक्ष पर एक नाग और शिवलिंग है उसको जो पान के पत्तों पर उस शिवलिंग की स्थापना करो और बिलो फल उसके सामने पूजा के लिए रखो उसको उस रुद्राक्ष पर भस्म का तिलक करो या चंदन का तिलक करो। आप अभी स्वयं चंदन का तिलक कर लो और रक्त चंदन की माला से जो मंत्र दिया गया है उसकी 51 माला मंत्र जप करना है। मंत्र मैं आपको बोलता हूँ, इसके बाद यह माला 51 माला मंत्र जप होता है तो आज ही रात में आपको उसका हवन कवन उसे दिया गया होगा ये दूंगा। लेकिन इससे पहले जिन्होंने भी इस साधना को लिया है साधना पैकेट और बिलफल कल्चर ऐसा दीक्षा नहीं है यह बिलोफल और लेके आना जिस कमल को संस्कारित किया गया है शहद पी और हल्दी कुंकू के साथ वो कमल उस पैकेट के साथ आकर ले ले उस कमल और रुद्राक्ष को उस कमल में उस रुद्राक्ष को रख दें और मंत्र आरम्भ करें और उस कमल की आहुति दी जाएगी और रुद्राक्ष हमेशा के लिए आपके घर में रहेगा। जो शिव विष्णु युक्त रुद्राक्ष है और इस मंत्र का जो आवरण करेंगे जहां ये रुद्राक्ष रहेगा वहां किसी प्रकार का तंत्र पैसों के लिए काम नहीं करेगा, वहां ऋण रोग नहीं काम करेगा। मैंने जैसे आपको कहा है कि आज का कोई 100 व्यक्तियों में से अगर 95 व्यक्ति भी कहेंगे तो आज कहीं ना कहीं ऋण रोग और धन में कोई घर बांधना हो कोई पैसा कमाना हो किसी प्रकार का मंदिर बांधना हो तो उसे ऋण करना ही है, उसे ऋण के बिना काम नहीं होगा। क्योंकि जिसके रोटी हुई पीटी हुई भूले भी आज इस बारह में भगवान को देखो वे स्वयं ऋण प्रश्न है जिन्हें भगवान मांगकर हम पूछते हैं अगर वो भी अघोर साधना करते हैं तो आज उनका श्री की बात भगवान हरिशंकराचार्य ने करते हुए वहां पैसा आने के लिए उन्होंने श्री की स्थापना अघोर पद्धति से की और आज वहां पैसा आता है जो ऋण के रूप में आज भगवान बालाजी इंटरेस्ट के रूप में चुकाते हैं। तो मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि अघोर पद्धति वाली लक्ष्मी साधना आपको जो आपके सामने दे रहा हूँ आप बिलोफर और रुद्राक्ष के साथ यहाँ आए। मैं मंत्र आपको पहले दीक्षा देता हूँ और कमल पुष्प माता के हाथ से ले ले और उस कमल पुष्प में रुद्राक्ष रखकर बिलोफल का नैवेद्य बताकर यह साधना 51 माला संपन्न करे। बाद में मैं हवन जब 51 माला पूर्ण होगी उस समय हवन करवाऊंगा, मैं उस कमल पुष्प की आहुति आपको दिलवाऊंगा और उस कमल पुष्प का भस्म और रुद्राक्ष जिसके घर में स्थापना होगी उसके घर में कभी ऋण रोग और दारिद्र नहीं रहेगा इसका वचन मैं आपको देता हूँ। इसके साथ साथ हम इस साधना को संपन्न करें, आप पहले मेरे साथ मंत्र बोलें उसके बाद आकर एक एक कमल ले जाएं जिन्होंने आपके साथ आप साधना सामग्री के साथ आए साधना सामग्री जिसके पास होगी उसे भी कमल दिया जाएगा इस बात का ध्यान रखें। नैनो इपड़े साधना अभी अघोर पद्धति हरिश्चंद्र लाटी वाड़ वशिष्ठ वैर पद्धति हरिश्चंद्र दैत अभविचार विश्वामित्रुड़ तन अघोर पद्धति तांत्रिक पद्धति द्वारा हरिश्चंद्र लाटी वाड़ ब्रह्मचुत स्मश
చేసినాడో అప్పుడు కూడా ఈ పద్ధతిని అసలు అనుభవించిన తర్వాత ఆయన శ్రేష్ఠుడయ్యాడు. ఒకే గురువుడు ఇద్దరు శిష్యులు కృష్ణుడు, తర్వాత కుటీరుడు, ఒకే గురువు శిష్యులు అయిన తర్వాత కూడా కుటీరుడు దరిద్రుడుగాయి శ్రీకృష్ణుడు మాత్రం చంద్రపతిలో తన చెల్లె తన అత్తాయిన వింధ్యావాసిని ఆమెతో కోసం చంపేటప్పుడు ఆకాశంలో ఎదిరినాడని కృష్ణుడు అక్కడక్కడబడింది. అప్పుడు కృష్ణ శ్రీకృష్ణుడు అడుగుతాడుగా, ఈ పుట్టిపైన ఉన్న అన్యాయం సీతమ్మ వారు ఎప్పుడైతే పుట్టిలో వెళ్ళిపోయిందో అప్పుడు పుట్టి క్షమించింది. ఈ పుట్టిపైన నా బిడ్డ అన్యాయం చేయకుండా అన్యాయం చేయలేదు, పవిత్రంగా ఉన్నప్పుడు కూడా బాగా గర్భవతిగా వదిలేశాడు కాబట్టి ఈ అన్యాయం నేను సహించను, కనుక నేను ఈ పుట్టిపైన క్షమిస్తున్నాను. వీళ్ళందరూ ఇంట్లో వాళ్ళు అన్యాయంపైనే డబ్బు సంపాదించారు, న్యాయంగా పుట్టిపైన ఉండదు అని చెప్పింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు పుట్టిపైన ఉన్నంత అన్యాయంగానే డబ్బు సంపాదిస్తారు, కనుక డబ్బు సంపాదించలేదని సంపాదించడం లేదు. ఇది ఖచ్చితంగా 100% 95% మంది గ్యారెంటీగా చెప్పగలరు. అయితే న్యాయం నివారించిన వరకు ఈ సాధన ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్లకు న్యాయంగా న్యాయబద్ధమైన పునరుగ్రహ కార్యక్రమాలు లేకుండా కనుక ప్రసాదించగలిగితే ఈ సాధనలు మహా విద్యావర్తి అయిన మహాకాళి గోతపుత్ర శ్రీకుడు చెప్పి నీవు జీవితం జీవితం ఉన్నంత కాలం ఈ అవసరం చేస్తే శ్రీకృష్ణ నీతో ఉన్నవాళ్ళు ఇంకా ఆనందంగా ఉంటారు, గోకులం కానీ నందనం కానీ మధువనం కానీ మథురా కానీ ఈ సాధన చేసే వాళ్ళు నీతో ఉన్నవాళ్ళు ఆనందంగా ఉంటారు, ఎలాంటి దగ్గరగా ఉండదు అని కృష్ణుడు ఉన్నంత రోజులు అందరూ ఆనందంగా ఉన్నారు అని చెప్పడానికి కారణం. అలాగే ఎప్పుడైతే శ్రీకృష్ణుడు మహాభారత యుద్ధమైన వెళ్ళిపోతున్నారో అప్పుడు గాంధారి శ్రీకృష్ణ అంటే కృష్ణ నీవు తలుచుకుని మహాభారత యుద్ధాన్ని ఆపగలిగిన వాడే, కానీ నువ్వు ఆపలేదు, ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ వైఫల్యాన్ని నా 100 కొడుకుల యొక్క భార్యను వైఫల్యం మార్చినావు శ్రీకృష్ణ గాంధారి అడిగినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఓడిపో ఉంటే నీ వంశం కూడా అయ్యే కానీ నేషనల్ కానీ అని చెప్పినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు దానికి చెక్కరించినాడు. ఆ శ్రీకృష్ణుడికి చెక్కరించిన తర్వాత ఆ యోగు కూడా అలాగే నాశనమైంది. దీని వెనకాల ఉన్న కారణం ఏంటంటే శ్రీకృష్ణుడు సాధన చేసినారు కాబట్టి ఆ వంశం అలాంటి శ్రీకృష్ణుడు తన వంశం ఏదో ఒక వాడుకోవడానికి సాధన చేయండి అని చెప్పిన తర్వాత నేను ఇంకా ఐశ్వర్యం వెళ్ళిపోతున్నా మాకేమో సాధన చేయని వాడుకో మళ్ళీ వాడు కూడా ఆ తరగతి అందరం సాధించింది. కనుక ఈ అభయ సాధన అభయ లక్ష్మి సాధన అంటారు. దీన్ని ఎవరైతే చేసినారో వాళ్ళ ఇంట్లో ఈ కలియుగంలో దుఃఖకార్య ధైర్యం ఉండదు, ఆయనలో కొన్ని కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఆ రుద్రాక్షణం దేనికైతే నాగంపాము శివుడు ఉన్నాడో ఆ రుద్రాక్ష ఇంట్లో పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఈ యొక్క విశిష్ట మంత్రాన్ని ఏ మంత్రాన్ని అయితే శివుడు తన అమ్మికైన భార్య గురువుకి బోధించినారో ఆ మంత్రాన్ని ఎవరైతే చేస్తారో కమల పుష్పంతో ఆమెకు ఆహుతి సంతృప్తి పరుస్తారో ఆ భస్మాన్ని ధారణ చేస్తారో ఈ అమావాస్య రోజున చైత్ర అమావాస్య నిన్న మహాశివుడు నేను శివరాత్రిగా చెప్పిన చతుర్దశికి ఈ రోజు అంబికా రోజున అమావాస్యుడు చైత్ర అమావాస్యుడు అంబికా రోజు చెప్పబడింది. కనుక ఈ దిగ్గు మహాశివుడు సాధారణంగా మీ అన్నీ చూస్తున్నారు, మీ ఇంట్లో మీ పుత్రులు కానివ్వండి, మీ ఇంట్లో శివకార్యాలు కానప్పుడు శివకార్యాలు కూడా రుణాలు చేసే పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు ఇల్లు కట్టేటప్పుడు రుణాలు ఏర్పడినప్పుడు ఇలా ఏర్పడకుండా రుణాలు తీర్చేది కానీ రోగం వెళ్ళిపోలేదు కానీ దారిద్రపై సమస్త సుఖాన్ని అనుభవించే ఏకైక సాధనగా ఈ అవరోధ సాధన చెప్పబడింది. కనుక ఈ సాధన ఎవరైతే చేస్తారో ఈ సాధన ఒకసారి సిద్ధి చేసిన పెట్టుకున్న తర్వాత ఆ రుద్రాక్ష ముందు మీరు ఎప్పుడు తెలుసుకుంటే అప్పుడు 108 కవలాలను తెచ్చుకొని ఆ రుద్రాక్ష ముందు ఉంచుకొని ఈ 108 కవలాలతో ఈ మంత్రం ద్వారా మీరు నేను ఆహుతి చేస్తే తక్షణం మీరు ఆ సుఖాన్ని కోరిన సుఖాన్ని కోరిన ధనాన్ని ప్రాప్తించగలరు అని శ్రీకృష్ణుడు కానీ విశ్వామిత్రుడు కానీ స్వయంగా వశిష్ఠుడి మాటలు ఒప్పుకున్నారు. కనుక ఇలాంటి దృఢమైన సాధన ఈ రోజు అమావాస్య రోజున నేను ప్రమాణం చేస్తున్నాను. ఈ అలా ఈ మంత్రాన్ని మీరు నాతో ఉపయోగించి సాధన సామగ్రిని తీసుకుని వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ కమలం ఇవ్వబడుతుంది. ఈ కమలాన్ని సిద్ధి చేశాను కాబట్టి దాంట్లో తేనె నువ్వులు పంచదార తర్వాత ప్రస్తుత ముఖ్యాంశంతో లక్ష్మీ అమ్మవారికి ప్రీతికరమైన కమల పుష్పాన్ని మీ మీ దగ్గర ఆ సాధనతో వచ్చి మీ ఆ మంత్రాన్ని 51 మాట పూర్తి చేస్తే సాయంత్రం అమరకొండ మొత్తాన్ని అక్కడ మీ ద్వారానే కమల పుష్పం యొక్క ఆహుతి వేధిస్తాను, ఆ బిల్లసుల ఆహుతి పుణ్య ఆహుతి వేధిస్తాను, ఆ పుష్పాన్ని మీరు ఆ రుద్రాక్షణ చేయలేని వాళ్ళతో పెట్టుకుని ఎప్పుడు ధనం జరుగుతుందని కోరుకోవాలనుకున్నా ధనం కావాలనుకున్నా మీరు ఆ రుద్రాక్షణ చూసుకొని 108 సార్లు మంత్రాన్ని ఆహుతి చేసి వేస్తే మీకు ఆ ధనప్రాప్తి జరుగుతుంది. 200 తారీఖు బాధలు ఉండవు, కర్మ చుట్టూ మనుషులు కాదు. ఈ రోజు ఏమిటంటే ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి జరగాలని ఏ షేర్ మార్కెట్ ఏ ల్యాండ్లో లాటరీలో ఇలాంటివి కొనుక్కొని డబ్బు కావాలని ఆలోచన కర్మ చేసేది ఎవరికి ఇష్టం లేదు. ఎటువంటి డబ్బు కూర్చుని దగ్గర ఎంత డబ్బు సంపాదించాలి అని కర్మ చదువుని నడిచేది అన్యాయ మార్గం, కర్మ చేసి సంపాదించిన మాత్రమే సరియైన మార్గం. కనుక కర్మనిచ్చే లక్ష్మిని ప్రాప్తం చేసే ఈ అభయ మార్గాన్ని అభయ మార్గాన్ని మేము బోధిస్తున్నాము. గురువు నా కర్తవ్యం చేయడం చేయకూడదు, నేను నాకు వచ్చిన జ్ఞానాన్ని బోధిస్తున్నాను. ఈ జ్ఞానమే విద్యావాసి అమ్మ